हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हर कोई मेरे को मैसेज करता था फेसबुक पे, इंस्टा पे, कमेंट में कि भाई हम विजिट आना चाहते हैं दुबई में, दुबई में जॉब का पोजीशन कैसा है, हम कर सकते हैं क्या जॉब, नहीं तो कुछ आने से पहले कुछ हम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा दुबई जॉब सर्च आने के लिए, सब लोग मेरे को मैसेज करते थे। वो मैसेज के ऊपर मैं आज व्लॉग बनाने का मकसद है, आप सभी को यूज़फुल रहेगा। जो कोई विजिट आ रहे दुबई में जॉब सर्च के लिए, उनको डेफिनेटली व्लॉग आके उनको थोड़ा बहुत यूज़फुल हो जाएगा करके मैं समझ रहा हूँ। डेफिनेटली व्लॉग एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा दुबई का जॉब का पोजीशन कैसा सर्च कर सकते हैं, क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल से बताएगा आज इस व्लॉग में। कौन से वेबसाइट है जाके हम लॉग इन होके अपना CV डाल सकते हैं, उधर पर हमको रिप्लाई आने के चांसेस ज़्यादा है, सब कुछ बताएगा एक एक करके। व्लॉग एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर प्रेस के जो मेरे चैनल से नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा अभी भी फ्यूचर में और आगे चल के। बहुत लोग बोलते रहते कि भाई आपका मैसेज नहीं आ रहा, आपका जो भी चैनल से वीडियो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर प्रेस करो, मेरे चैनल से जो वीडियो आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। फॉलो कीजिए, मेरे को फॉलो करने से मोर अपडेट देता रहता हूँ जॉब्स रिलेटेड, तो आप वो हिसाब से देख के आराम से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और दुबई आने से पहले आप सभी को वीज़ा रहना बहुत ज़रूरत है, वीज़ा आके 3 महीने का लेके आइए। बहुत लोग 1 महीने का वीज़ा लेके आते तो 1 महीने में आपको घूमने फिरने में निकल जाता, तो आप जॉब सर्च नहीं कर सकते, इसलिए 3 महीने का वीज़ा पकड़ के आइए। और आपका टिकट, रिटर्न टिकट रहना बहुत ज़रूरत है, आप आने का और जाने का दोनों टिकट भी आपको श्योर करना पड़ेगा इमिग्रेशन में, इसलिए आपको 2 टिकट भी बना के लेके आना पड़ेगा। और ट्रैवलिंग इंश्योरेंस एंड आपके थोड़े बहुत खर्चे के लिए पैसा लेके आइए। और रूम आके आने से पहले आप सर्च कीजिए, आप गूगल में बहुत सारे PG मिल जाएंगे, बहुत सारे बेड स्पेस मिल जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करके आप रूम बुक कर लीजिए। उधर आने के बाद परेशानी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑनलाइन में देख के आराम से अप्लाई कर सकते हैं और रूम रह सकते हैं। और थोड़ा बहुत पैसा कैश लेके आइए, क्योंकि तो आपको सर्वे होना है इधर पर दुबई पर खाने रहने के लिए। भाई दोस्त रिश्तेदार होगा तो टेंशन नहीं, आपको खाने रहने का वो लोग संभाल लेते, कोई भी नहीं है, आप जॉब सर्च पर आ रहे दुबई पर, आपका कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, तो आपको थोड़ा बहुत अरेंज कर लेके निकल के आना पड़ता है। थोड़ा बहुत पैसा लेके आइए उधर पे आपको खाने पीने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। और अब दुबई आने के बाद डॉक्यूमेंट्स आके आपको जो भी आपका CV अपडेट है, डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट कॉपी होगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप 20 सेट्स लेके आइए इंडिया से, क्योंकि तो इधर पर जिराक्स कराएंगे तो आपको थोड़ा बहुत चार्जेस ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आप इंडिया से करा के आएंगे तो थोड़ा आपको दिखने में नहीं आएगा और भाग दौड़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो किधर पड़ता, आप नई कंट्री आ रहे हैं तो जिराक्स सेंटर किधर है, स्कैन करने के लिए और प्रिंट आउट करने के लिए आपको समझ में नहीं आता, भाग दौड़ करना पड़ता है, इससे अच्छा कि आप इंडिया से आ रहे इस टाइम पर पूरा 20 सेट्स लेके आएंगे तो बहुत अच्छा है। और जो भी वेबसाइट है, देखिए आई नीड होगा, लिंक्डइन होगा, ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर चलते हैं दुबई में, तो उस पर दोनों रजिस्टर कीजिए, अपना CV अपडेट कीजिए, उधर पर आप पोस्ट डालते रहते हैं, लोग कौन सा पोजीशन है क्या, वो हिसाब से देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर पे ज़्यादा जॉब्स मिलते हैं, आप फिरने की ढूंढने की कोशिश आपकी, आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगी, इधर पे टेंशन नहीं है। और ट्रैवलिंग की बात करूँ तो ट्रैवलिंग आपको नोल कार्ड मिल जाएगा इधर पर, मेट्रो में चल सकता है, मेट्रो बस में चल सकता है, तो आप आराम से वो कार्ड ले लेकर ट्रैवल हो सकते हैं उधर से इधर, इधर से उधर। ट्रैवलिंग चार्जेस भी आपको कम पड़ जाएगा, टैक्सी अवॉइड कीजिए कितना हो सके उतना, क्यों तो टैक्सी फेयर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप मेट्रो नहीं तो मेट्रो ट्रेन यूज़ कीजिए, यूज़ करने से आपको बहुत सारा पैसा सेव हो जाता है। और इमरजेंसी भी आप टैक्सी ले सकते हैं, आप इमरजेंसी नहीं है तो मेट्रो में जाइए और मेट्रो में आइए, ये मेरा सजेशन है आप सभी का। और खाना आके आप जॉब ढूंढ रहे आते हैं तो बहुत सारे मेसेस हैं, मेस लगा ले सकते हैं आप, 2 टाइम का 300 दिरहम आ जाएगा, मतलब इंडियन करेंसी 6,000 आ जाएगा, आप मेस लगा के काम चला सकते हैं, नहीं आप पका के खा सकते हैं तो आपको आता है पकाना, तो आप जो भी PG लेते हो, जो भी रूम लेते हो, उधर पे पकाने का फैसिलिटी रहता है, अब थोड़ी बहुत तो ग्रोसरी में आइटम्स ले लेके आप पका के खा सकते हैं और आपको थोड़ा सस्ता हो जाएगा, 200 दिरहम में आपको महीने का निकल जाता है, आप ग्रोसरी आइटम्स लेके आके पका लेके खाएंगे तो, अब बाहर खाएंगे तो 300 दिरहम जाता है, और एक महीने का कैसा पकड़ के चलो विजिट आ रहे तो 500 दिरहम हो जाता है, मतलब इंडियन करेंसी 10,000 आपको पर मंथ हो जाता है 3 महीने का रहता, 3 महीने का हिसाब से वो पैसा अरेंज कर लेके आके इधर पर जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब मिलने के बाद आपको वो लोग वीज़ा आपका स्टेटस चेंज कर दे, विजिट वीज़ा होल्डर्स जॉब नहीं कर सकते इधर पे, आपका वीज़ा चेंज होने के बाद, वर्क परमिट लगने के बाद ही आप इधर पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी भी विजिट वीज़ा में आके आप जॉब करेंगे तो आपको कोई बैंड है इधर पे, जॉब नहीं कर सकते विजिट वीज़ा पे, आप घूमने के लिए आ सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, वीज आपका
वंस आपका वीज़ा कन्वर्ट होने के बाद आप आराम से वर्क परमिट ले लेके काम कर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस। जो कोई भी आना चाहते हैं दुबई को, तो ये बहुत सारे बेसिक थिंग्स है, आप थोड़ा ध्यान में रख के चलिए और अपना टिकट विकेट सब कुछ साथ में लेके चलिए। कभी भी पासपोर्ट आके अपने जेब में रखिए, कभी भी किधर भी बाहर जाना है, आना है, इंटरव्यू जाना है, तो पासपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते, नहीं आ सकते। सेफ्टी होता है, और उतरने के बाद आपको एयरपोर्ट में सिम मिल जाएगी, नहीं तो आप बाहर आके सिम ले सकते हैं। सिम ले लेके थोड़ा नंबर एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि तो आप CV में डालते रहते हैं अपना नंबर, तो वो लोग आपको खुद कांटेक्ट करने के लिए कॉल करेंगे, नहीं तो मेल करेंगे। इसलिए वैलिड आपका मेल तो रहना चाहिए, फ़ोन नंबर तो दोनों भी एक्टिव रहना चाहिए, नहीं दोनों में कोई सा एक एक्टिव हो तो मुश्किल नहीं है। आप आराम से कॉल लेटर और रिसीव कर सकते हैं कंपनी के थ्रू, आप जाके इंटरव्यू देकर आराम से जॉब हासिल कर सकते हैं। यह है टोटल प्रोसेस। जो कोई भी आना चाहते हैं दुबई को, आराम से आइए, जॉब सर्च कीजिए, इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। और मोर अपडेट्स भी देता रहता हूँ मेरे चैनल पे लोकल हायरिंग जॉब दुबई में, तो वो हिसाब से देख के आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है, जो कोई मेरे भाई दोस्त लोग और सब्सक्राइबर जो भी आना चाहते हैं, जो भी मेरे वीडियो देख के आना चाहते हैं, तो उनको मदद मिल जाएगी। क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना पड़ता है आने से पहले, क्या क्या हम अरेंज कर सकते हैं, सब कुछ मैंने बताया है, थोड़ा बेसिक नॉलेज दिया है आपको। आई होप आपको नॉलेज थोड़ा बहुत यूज़फुल होगा, अगर मैं समझ रहा हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही। ख्याल रखें अपना भी, इस चैनल का भी।